हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज हम देखेंगे ये लेटिबियन ब्रेड या स्टैनियन ब्रेड जो है, चोटी वाला पैटर्न जो है लेफ्ट पॉइंटिंग एंड ये राइट पॉइंटिंग जो है स्ट्रेट में हमने कैसे बना था, उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे यही चोटी वाला पैटर्न राइट पॉइंटिंग एंड लेफ्ट पॉइंटिंग सर्कुलर निटिंग नीडल में किस तरह से बना जाता है, राउंड में किस तरह से बना जाता है देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर एक लाइक तो बनता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में, कैप या स्वेटर के कफ में, स्लीव्स के कफ में, या स्वेटर के बॉर्डर में आप बॉर्डर के बाद ये यूज कर सकते हो। तो चलिए डबल फोल्डिंग बॉर्डर बनाना चाहते हो तो और थोड़ा लंबा इसके डबल आप कर लीजिएगा। तो ये राउंड फिनिश कर लूंगी मैं। यहाँ पे मैंने एक राउंड कंप्लीट सीधी बुनाई का कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक चोटी वाला पैटर्न डालने वाली हूँ, जो इसके लिए उसको स्टैनियन ब्रेड या लेटिवियन ब्रेड कहा जाता है, चोटी वाला पैटर्न जो यहाँ पे राइट पॉइंटिंग एंड दो एंड लेफ्ट पॉइंटिंग में इस तरह से मैं बुन रही हूँ। इसके लिए हमें डबल कलर का चाहिए, तो यहाँ मैं व्हाइट कलर अटैच करूंगी। तो व्हाइट कलर अटैच करके उसको स्टार्ट करेंगे। मैं फर्स्ट हम राइट पॉइंटिंग लेटिवियन ब्रेड या राइट पॉइंटिंग वाला चोटी वाला, तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है वो राइट पॉइंटिंग ये वाला फर्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लेफ्ट पॉइंट करने वाला देखेंगे। तो फर्स्ट हम राइट पॉइंटिंग स्टैनियन ब्रेड देखेंगे। उसके लिए मैं राउंड जब बुनते हैं तो राउंड बुनते टाइम यहाँ पे हमें फर्स्ट नया कलर अटैच करके अल्टरनेट कलर से बुनना होगा हमें। और यहाँ पे एक मैं नया कलर जो अटैच किया है तो इसको एक नॉट लगा देती हूँ। तो एक हमने व्हाइट से बुना है, नेक्स्ट हम एक ग्रे से बुनेंगे, फिर नेक्स्ट एक व्हाइट से। इस तरह से सीधी बुनाई करेंगे अल्टरनेट कलर से। पहले जब आप राउंड बुनाई करते हो तो पहले एक एक रो आपको बेस रेडी करना है अल्टरनेट कलर्स का। तो इस तरह से एक व्हाइट का और एक ग्रे का हमें एक बेस अल्टरनेट रो का रो वन हम कंप्लीट करेंगे। ये मैं फर्स्ट दिखा रही हूँ आपको राइट पॉइंटिंग स्टैनियन। रो वन हमने अल्टरनेट कलर से सीधी बुनाई कर ली है। इसे डालते टाइम आप डेफिनेटली आपको मल्टू के मल्टीपल में, इवन नंबर्स में आपको नंबर चाहिए होंगे स्टिचेस, तो दो के मल्टीपल में आपको स्टिचेस होने चाहिए। तो हमने सारे होने के बाद अब सेकेंड राउंड, अब हम राइट पॉइंटिंग लेटवियन ब्रेड एस्टेनियन ब्रेड चोटी वाला जो है राइट पॉइंटिंग वाला कर रहे हैं। इसके लिए हमें दोनों जो कलर है आगे लेके आना है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टू रोज, ये थ्री रोज का पैटर्न है। रो वन में हमने इस तरह से सारे बुन लिए, रो टू अब डाल रहे हैं। रो टू एंड थ्री हमें धागा आगे ही रखना है एंड सारे हमें उल्टे ही बुनने हैं, लेकिन हमें धागे का ऊपर नीचे का हमें ध्यान में रखना है। जो हम अब आप देखेंगे, फर्स्ट हम राइट पॉइंटिंग में जो हम पर्ल करते हैं उल्टी बुनाई करने वाला जो धागा होता है वो दूसरे धागे के नीचे से मुंह होना चाहिए हमेशा। अगर हम इससे उल्टी बुनाई कर रहे हैं तो ये जो इसके नीचे से ये आना चाहिए, इससे हमें इस तरह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ रो नंबर टू, दोनों स्टिचेस को आगे लेके आइए। हमने मार्कर यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टिच हमें उल्टा बुनना है और जो धागा है उसी से हमें उल्टा बुनना है।
तो इसके लिए ये हमें इस धागे के नीचे से इसे उल्टा बुनना है, तो व्हाइट को व्हाइट से ही बुनना है हमें। तो इसको हम इस तरह से ऊपर पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो धागा इस स्टिच के नीचे से आ जाएगा। तो आप ध्यान में देखिए, इसको हमने उल्टा बुन लिया, अब इसको इस तरह से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट में इसको उल्टा डाला और धागे को ऊपर, ये बुना हुआ ऊपर रखेंगे और दूसरा धागा इसके नीचे से, ऑटोमेटिकली ये जो वर्कड थ्रेड है इसके नीचे से आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से बुनेंगे, फिर नेक्स्ट में उल्टा इस तरह से डाला, फिर धागे को उस तरह के ऊपर रखेंगे जो हमें पर्ल करना है उल्टी बुनाई, तो इस तरह से हमें उल्टी बुनाई करनी है। तो इस दो जो बुन के रखा हुआ इसको ऊपर ले लेंगे, धागे को जो अभी बुनना है उसको हमने इस तरह से ऊपर लिया। तो जो हमने ये सेकेंड रो पे जो वर्किंग ऊल है हमें नीचे से लेके उल्टा बुनाई करनी है, तो इसको इस तरह से ऊपर रखा, फिर नेक्स्ट धागे को नीचे से। ये रो हम कंप्लीट इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर खाली इसमें धागे का मूवमेंट ध्यान में रखना है, इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट होंगे दोनों, आपको ऊपर ऊपर इसको धागे को खुलना पड़ेगा। तो इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट में उल्टी तरह डाल के ये इस तरह से पकड़ेंगे और नेक्स्ट जो हमें कलर से बुनना है उसको हम नीचे से बुनेंगे। तो ये रो इसी तरह से बुनना होगा, रो नंबर टू जो हमें उल्टी बुनाई करनी है इसको ऊपर रखिए, उल्टी बुनाई जो जिससे करनी है उसको नीचे से लेके इस तरह से। ये रो नंबर टू कंप्लीट हो गया राइट पॉइंटिंग लेटवियन ब्रेड में, तो ये रो कंप्लीट कर लूंगी मैं। रो नंबर टू कंप्लीट हो गया है, जो हमने वर्किंग ऊल को रेस्ट ऊल के नीचे से इस तरह से नीचे से बुना था, इसको ऊपर पकड़ के नीचे से बुना था। अब हम रो नंबर थ्री पे हैं, रो नंबर थ्री पे भी दोनों धागे आगे ही रहेंगे और सारे स्टिचेस उल्टे ही बुने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमें उल्टा बुनाई करनी है, जो करने वाला धागा है रेस्ट का जो धागा होता है, ये रेस्ट धागे के ऊपर से लेके जाएगा। इसके लिए कैसे पकड़ना होगा, ये जो रेस्ट वाला धागा है यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये जो वर्किंग पर्ल करने वाला जो उल्टी बुनाई करने वाला धागा है इसके ऊपर से जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से उल्टा बुनते जाएंगे हम। अब ये उल्टा बुन लिया, फिर हम इस तरह से डाला, हमने इससे बुना था तो इसको हम रेस्ट करेंगे, जो हमें अभी बुनना है उल्टे बुनाई, तो इसको इस धागे के ऊपर से लेके जाएंगे। पहले हमने नीचे बुना था तो अब हम ऊपर से बुनेंगे। तो अगेन ये हमने इसे बुना, फिर इसको लेफ्ट में पकड़ेंगे, तो ये लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम अब जो वर्किंग ऊल है उसको हम रेस्ट ऊल के ऊपर से लेके जाएंगे। इस तरह से इसे हमें बुनना है, तो इस धागे के ऊपर से लेके जाना है। तो यहाँ पे इस पैटर्न में जितना दिखता है इजी, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर बार ये जो इससे बुना था इसको लेफ्ट में रेस्ट में रखेंगे, जो हमें बुनना है इस धागे के ऊपर से इस तरह से दिखेंगे। आप जस्ट किस तरह से धागे को पकड़ना है ये देखिएगा, पहले हमने नीचे से बुना था तो ये थर्ड राउंड में हम ऊपर से बुनेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड बुनेंगे। तो ये लेटवियन ब्रेड में अगर राउंड में बुनना है तो हमें थ्री रोज लगेंगे। ये थर्ड राउंड इसी तरह से हम सारे बुनेंगे, आपको ये राइट पॉइंटिंग दिखता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये राइट पॉइंटिंग वाला लेटवियन ब्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये राइट पॉइंटेड स्टैनियन ब्रेड या लेटवियन ब्रेड या लैटरल ब्रेड या चोटी वाला पैटर्न आप कह सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी को हम लेफ्ट पॉइंटिंग कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। तो ये थर्ड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप स्टैनियन ब्रेड राइट पॉइंटिंग बुनना चाहते हो तो ये तीन स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा इन राउंड में अगर आप बुनना चाहते हो। अगर इसी को आप फ्लैट में बुनना चाहते हो तो राइट पॉइंटिंग एंड लेफ्ट पॉइंटिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक उसका वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये राइट पॉइंटिंग स्टैनियन ब्रेड हो गया है। अब इसको हम नेक्स्ट हम धागे को पीछे लेंगे, पीछे लेके नेक्स्ट हम लेफ्ट पॉइंटिंग
स्टैनियन ब्रेड जो ये राइट पॉइंटिंग है, अब हम लेफ्ट पॉइंटिंग करने वाला किस तरह से वो देखेंगे। इस इन दोनों के बीच में एक गैप रखने के लिए मैं एक डार्क कलर का उल से एक या दो राउंड में सीधी सीधी बुनाई का दो रो डाल दूंगी, ताकि हमें दोनों इमीडिएट नेक्स्ट भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस गैप लाने के लिए एक या दो रो में यहाँ पे डार्क कलर के सीधी सीधी बुनाई दो रो कर लूंगी। यहाँ पे हमने दो रो डार्क कलर से टू रो सीधी सीधी बुनाई कर ली है दोनों के अंतर डालने के लिए। तो यहाँ पे राइट पॉइंटिंग हो गया है, अब हम देखेंगे लेफ्ट पॉइंटिंग स्टैनियन ब्रेड। लेफ्ट पॉइंटिंग के लिए जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट रो रो वन हम ऑल्टरनेट कलर से बुनते जाएंगे, एक व्हाइट, नेक्स्ट एक ग्रे, सीधी सीधी बुनाई बुनते जाएंगे हम ऑल्टरनेट कलर से। तो ये रो रो वन इसी तरह से ऑल्टरनेट कलर से हम कंप्लीट कर लेंगे ये रो। अब रो नंबर वन कंप्लीट कर लिया है, अब रो नंबर थ्री एंड फोर हमें उल्टे ही बुनने हैं पहले की जैसे। तो धागे को, दोनों धागे को हमने आगे ले लिया है, तो अब हमें अल्टरनेट उल्टा बुनना है। तो रो नंबर थ्री में जो हमें बुनना है उल्टी बुनाई, उस धागे को हमें रेस्ट के धागे से ऊपर से लेके जाना है। तो ये रो नंबर थ्री में ये ऊपर से जाएगा, फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस धागे के ऊपर से लेके जाना है और उल्टा बुनाई करनी है। तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, हाथ हाथ मूवमेंट आप देखिएगा, इस जो बुना है इसको इस तरह से पकड़ेंगे जो अभी बुनना है, इसलिए इस धागे को इस धागे के ऊपर से लेके जाएंगे। तो ये रो नंबर थ्री में जिससे जिस धागे से हमें उल्टी बुनाई करनी है वो रेस्ट वाले धागे से ऊपर से जाएगा रो नंबर थ्री में। आप इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से आएगा, जैसे हम राउंड में बुनने के लिए ये लेफ्ट पॉइंटिंग स्टैनियन ब्रेड के लिए जो रो नंबर थ्री में हम ऊपर से उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये रो में इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो जिससे बुनना है इसको ऊपर से इस तरह से लेके जाएंगे। तो ये रो नंबर थ्री इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। रो नंबर टू कंप्लीट हो गया, रो नंबर टू में उल्टी बुनाई की हमने, वर्किंग वूल को ऊपर से लिया था। अब रो नंबर थ्री को भी हमें उल्टी बुनाई करनी है, व्हाइट को व्हाइट से ही बुनना है। तो हमें इस धागे को जिससे बुनना है रेस्ट वाले धागे के नीचे से लेके जाएंगे। अब तो इसके लिए हमें जो रेस्ट वाला धागा है इसको ऊपर पकड़ेंगे और इसको इस तरह से उल्टा बुनाई करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसको इस तरह से पकड़ेंगे जो जिससे बुनना है उसको नीचे से लेके जाएंगे। तो जस्ट इसका धागे का मूवमेंट देखिए, अब ये फोर्थ राउंड है, लेफ्ट पॉइंटिंग स्टैनियन ब्रेड बनाने के लिए। तो इस तरह से हम ऊपर पकड़ेंगे तो इस धागे के नीचे से आ जाएगा, ये उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो अगेन इस धागे को इस तरह से ऊपर पकड़ेंगे और जो रनिंग धागे इससे नीचे से ये आ जाएगा, तो इसको हम उल्टा बुनाई करेंगे। तो इस तरह से ये नीचे से लेके धागे को जिससे पर्ल स्टिच करना है, इट विल गो बिलो द रेस्ट यार्न। तो इसका डायरेक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता जाएगा, आप उसी को फॉलो करते जाइए। तो इसी तरह से ये रो तो हमने ये राउंड नंबर थ्री कंप्लीट कर लिया है। ये राउंड अब जो स्टैनियन ब्रेड या ये लेटिवियन ब्रेड जो है, चोटी वाला पैटर्न, ये राइट पॉइंटिंग
और ये लेफ्ट पॉइंटिंग दोनों मैंने दिखाया हुआ है। ये राउंड में सर्कुलर निटिंग नीडल में किस तरह से बनाया जाता है मैंने इसको आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। इसी को आप फ्लैट में बनाना चाहते हो राइट पॉइंटिंग एंड लेफ्ट पॉइंटिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मिल जाएगा। ये राउंड में जो ये पैटर्न में आप टॉप डाउन स्वेटर्स में नेक के बॉर्डर के बाद या बॉर्डर के बाद या स्लीव्स के बॉर्डर के बाद लगा सकते हो। तो ये राउंड में किस तरह से बनाया जाता है ये ट्यूटोरियल, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मैं कैप में डाल रहे हैं इसके बाद आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हो या कंटिन्यूअस इसी तरह आप अल्टरनेट रिबिंग करता ये डाल सकते हो कुछ कुछ गैप के बाद। तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर एंड बाय।